हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, भले चेंगे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जेलर मूवी को, जो कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है और बहुत ही अच्छी मूवी, आपको जरूर देखनी चाहिए। रजनीकांत की एक न्यू मूवी आई है। सो आई बेसिकली मूवी साउथ मूवी है। यह मूवी की कहानी स्टार्ट होती है जहाँ पे हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वर्मा होता है और जो कि इस मूवी में विलन का रोल प्ले कर रहा होता है। और स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो अपने एक आदमी को मार देता है सल्फ्यूरिक एसिड में डालकर, तेजाब में डालकर जिंदा मार देता है। और क्योंकि हमें दिखाया जाता है वो अपनी एक मूर्ति ढूंढ रहा है और मूर्ति के साथ साथ एक ताज चाहिए उसको, जो कि दुनिया का बेशकीमती ताज है और बहुत ही धरोहर का ताज है, पुराने ज़माने का है। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसकी एक जो मूर्ति है वो किडनैप हो जाती है और वो मूर्ति किडनैप करता है एक इंस्पेक्टर जिसका नाम होता है अर्जुन। अब अर्जुन जो होता है वो होता है भैया रजनीकांत का लड़का मूवी में, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहा होता है, और वो मूर्ति को किडनैप कर लेता है। इसके बाद वो उस आदमी के पास जाता है जिसको मूर्ति के बारे में पता होता है कि ये मूर्ति कहाँ से आई और किसकी है। जहाँ पर वो आदमी उसको कहता है कि तुम मुझे धमके नहीं दे सकता, ये देख मैंने तेरे बाप को अपने कब्जे में ले रखा है। जहाँ पर वो कहता है कि ये तूने बहुत गलत किया, तूने एक चिपकली नहीं बल्कि एक डायनासोर को अपने कब्जे में लिया है, और मेरे बाप की टेंशन तो तू छोड़ दे क्योंकि वो बहुत नेक्स्ट लेवल का आदमी है, मैं खुद उसके सामने बच्चा हूँ, अभी पता चल जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है एंड्री किसकी थलापति थाला की मीन्स रजनीकांत की, जो कि उसके बंदों को चुटके में मार देता है। और मूवी में जो उसका करेक्टर दिखा रखा है वो अपने फैमिली के सामने प्रेडिक्ट करता है कि वो एक बहुत ही नेक और भोला भाला इंसान है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहता है, और उसने अपने बेटे को बहुत ही अच्छी परवरिश से बड़ा किया है, बहुत ही ईमानदारी के साथ बड़ा किया है ताकि वो अपनी ड्यूटी के प्रति ऑनेस्टी दिखाए। इस तरीके से उसने उसको पाल पोस के बड़ा किया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस आदमी से उसके बेटे की दुश्मनी और ज़्यादा गहरी होती जाती है। तो वो आदमी जो कि मूर्ति का एक हकदार होता है, वर्मा का चेला, वो उसके बेटे अर्जुन को किडनैप कर लेता है। और किडनैप करने के बाद ये अफवाह फैला देता है कि उसका बेटा मारा गया है, क्योंकि जो भी उस मूर्ति के केस में जाता है कभी वापस नहीं आता, मर जाता है। ये खबर सुनने के बाद जो रजनीकांत होता है वो खुद सदमे में चला जाता है। उसकी फैमिली, उसकी वाइफ उससे कहती है कि ये सब की जिम्मेदार तुम भी हो कहीं ना कहीं, क्योंकि तुम्हारी उस ईमानदारी की परवरिश की वजह से ही आज मेरा बेटा इस मुकाम पर पहुँच गया है। और ये बात उसको अंदर तक खा जाती है। और इसके बाद वो फैसला ले करता है कि वो उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेगा जिसकी वजह से उसका बेटा मारा गया है। अब वो डायरेक्ट जाता है और उस आदमी को मार डालता है। उसके बाद उसके पास एक फ़ोन आता है जो कि वर्मा का फ़ोन होता है, और कहता है कि तूने मेरे एक आदमी को मार डाला, अब तू बचेगा नहीं, अपने पोते को संभाल के रखना। अब उसके पोते के ऊपर दिन पे दिन हमले होते जाते हैं जिससे उसको पता लगता है कि ये गैंग छोटे मोटे गैंग नहीं है, बहुत ही बड़ा गिरोह है। अब वो फैसला लेता है कि अपने बच्चों को, फैमिली को सेफ रखेगा, इसलिए वो एक साइकिलिस्ट के पास जाता है और साइकिलिस्ट पर्सनल पर मिलता है और उससे कहता है कि तुम मेरी फैमिली को कहोगे कि मैं बीमार हूँ, दिमाग से मेंटल हूँ, और तुम मेरा इलाज यहीं पर करोगे जिसके कारण तुम मेरी फैमिली को यहीं पर ठहराओगे, वो तुम्हारे ऊपर तुम किस तरह का बहाना मार के इनको यहाँ पे रोको। अब वो अपना एक काम इसलिए करता है ताकि उसकी फैमिली सेफ रहे, एक हॉस्पिटल में रहेगी तो सेफ रहेगी, उन गुंडों से बचे रहेगी, क्योंकि उसको पता है जो काम वो कर रहा है उसकी वजह से उसकी फैमिली को भी हर्ट हो सकता है। इसके बाद वो अपने एक दूसरे लोकेशन में चला जाता है इस गिरोह को पकड़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी वर्मा का कॉन्टैक्ट होता है और वर्मा वहाँ पर पहुँच जाता है उसकी फैमिली को मारने के लिए। लेकिन उससे जब वर्मा उसके पास वीडियो कॉल करता है और कहता है देख मैं तेरी फैमिली तक पहुंच चुका हूं, अब तो नहीं बच सकता, वहीं पर वीडियो कॉल पे रजनीकांत होता है, वो उसको दिखाता है नहले पे दहला, यानी कि वो उसको बताता है कि उसको उसके बिजनेस के बारे में पता है और कौन सी गाड़ी मध्य प्रदेश जाएगी, कौन सी गाड़ी भोपाल जाएगी मूर्तियों के साथ, उन सबका एड्रेस भी उसको पता है और वो कभी भी उन सब मूर्तियों को हटा सकता है। और उसके पास वो बेशकीमती मूर्ति भी होती है जिसको, जो कि वर्मा को चाहिए होती है किसी भी हालत में। वो कहते हैं मैं इस मूर्ति को तोड़ दूंगा अगर तूने मेरे बच्चों को नहीं छोड़ा तो। इस तरीके से वो अपने बच्चों को, फैमिली को छुड़ा लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो डील करता है कि तुम कभी मेरी फैमिली के आसपास भी नहीं भटकोगे, इसलिए मैं तुम्हारे बिजनेस के बीच में भी नहीं आऊँगा। अब ये डील उनके बीच में हो जाती है। इसके बाद जो रजनीकांत होता है वो अपने एक दोस्त के पास जाता है, अपने दोस्त के पास जाता है, उसकी मदद लेता है, और उसका दोस्त उसको चार बंदे देता है जो कि स्नाइपर शूटर होते हैं, जो कि कितनी भी दूर से बहुत ही अच्छा निशाना लगा सकते हैं, एक सेकंड में बंदे को मार सकते हैं बिल्कुल सटीक निशाना लगा के। और उन चार को वो अपने साथ रखता है ताकि अपनी सेफ्टी रख सके। अब वर्मा होता है वो मानता नहीं है भाई, वो फिर दोबारा उसके ऊपर हमला कराता है, और इस बार वो फ़ोन करता है एक आदमी को, जो आदमी होता है पंजाब से 40 बंदे भेजता है उसके पास, और वो आदमी होता है भैया जैकी श्रॉफ। अब जैकी श्रॉफ इस मूवी में जो करेक्टर निभा रहे हैं वो एक विलेन का आप कह सकते हो, लेकिन ये गलत होगा। अब जैकी श्रॉफ वर्मा को समझाता है कि तू जिस आदमी से पंगा ले रहा है तुझे पता नहीं कि वो है कौन, और हम सब उसके सामने बहुत बच्चे हैं, तू उसकी हिस्ट्री चेक कर। जहाँ में दिखाया जाता है कि वो जो रजनीकांत होता है वो हिस्ट्री में अपना एक इंस्पेक्टर था जो कि जेलर का रोल प्ले कर रहा था, जेल के अंदर जितने भी कैदी वो उसके अंडर आते हैं, और बहुत ही स्ट्रिक्ट जेलर था, उसके सामने सब बच्चे थे। जैकी श्रॉफ भी उसी जेल का हिस्सा था, एक मुस्लिम था,
और जो जो पावरफुल मुस्लिम थे उन सबके साथ उस जेलर की यानी कि रजनीकांत की दोस्ती थी, और अपने इसी दोस्ती को निभाते हुए उसके पास आज के टाइम पे सारी सुविधाएं थी, गुंडों से लेकर बड़े से बड़े पिस्तौल और गन तक सब उसके पास थे बैकअप के लिए, और लेकिन इन चीज़ों को वो कभी भी शो नहीं करता था। अब इससे पता लग रहा था कि जो 50 बंदे पंजाब के उसने वर्मा ने अपने लिए मंगाए थे अपने दोस्त से बोलकर, वो बंदे ऑलरेडी मैनेज हो चुके थे रजनीकांत के ऊपर। अब रजनीकांत जो होता है वो सीधा जाता है वर्मा के पास और उसको मारने के लिए पहुंच जाता है। जैसे वो उसको मारने लगता है, जब वर्मा को दिखता है कि सारे बंदे इसके खिलाफ हो चुके हैं, तो वो रजनीकांत को एक वीडियो दिखाता है जहाँ पर उसको दिखाता है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है। अब अपने बेटे की जिंदा की हालत देखने के बाद वो कोई भी बाप भाई नहीं चाहेगा कि उसका बेटा मरे, तो पूरी कोशिश करता है उसका बेटा जिंदा रहे। अब इसके लिए वर्मा उससे कहता है कि तुमको मेरे एक काम करना होगा, तुमको एक ताज लाना होगा, जो कि ताज बहुत ही पुराना होता है, बेशकीमती होता है, जिसकी करोड़ों में कीमत होती है। अब उस ताज को लाने के लिए उसको 5 बंदों की परमिशन चाहिए होती है, अमिताभ बच्चन, तमन्ना भाटिया और 3 लोग होते हैं। अब इन चीज़ों को कैसे मैनेज करेगा वो रजनीकांत के ऊपर होता है, अगर उसको अपना बेटा जिंदा चाहिए तो। अब इसके लिए वो हाँ कर देता है और जैसे तैसे वो उस ताज को हासिल करता है, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्क़त के साथ। लेकिन इसमें भी रजनीकांत गेम खेलता है, वो नकली ताज को देता है असली ताज के बदले, और उस नकली ताज के बीच में एक कैमरा लगा के दे देता है। अब जैसे वो ताज को देता है तो हमें पता लगता है, जब वर्मा उसको लेके आता है, उसके बेटे अर्जुन को लेके आता है, तो अर्जुन कहता है कि तुमने बहुत गलत किया, अगर तुम चाहो तो हम दोनों पार्टनरशिप कर सकते हैं, इस ताज का 50% तुम मुझे दोगे, क्योंकि अगर मैं अपने बाप से कहूँगा कुछ भी तो तुमको ज़रूर मारेगा, और अगर मेरा बाप यहाँ पर ताज बेच सकता है तो उसको वापस जाने का प्लान भी उसके पास ज़रूर होगा। अब यहाँ पे अर्जुन की और वर्मा की बातें सुन रहा होता है ऑन द कैमरा लाइव में, यहाँ पे उसका बाप रजनीकांत, जहाँ पे उसका बेटा कहता है कि हम 50% शेयर कर लेंगे, मेरे बाप मेरे ऊपर भरोसा है और मैं उसके भरोसे को उसके सामने नहीं तोड़ूंगा, और हम दोनों 50-50 करके यहाँ से निकल लेंगे। ये बात पता लगने के बाद बहुत सी कोशिश करता है अर्जुन घर आने के बाद, लेकिन जो उसका बाप होता है वो कहता है, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। उसको उम्मीद होती है हो सकता है उसका बेटा उसे सच बोल दे, लेकिन वो नहीं बोलता। इसके बाद वो कहता है कि अभी हम सीधे घर नहीं जाएंगे, पहले पुलिस रिपोर्ट लिखाएंगे, उसके बाद जाएंगे। जहाँ पे अर्जुन कहता है कि ऐसा नहीं करेंगे, मैं नहीं चाहता कि आप इस मामले में पड़े, मैं केस को खुद सुलझाऊंगा। अब इसके बाद कॉल आता है अर्जुन के पास वर्मा का, तो वर्मा उसको बुलाता है और कहता है, देख तेरे बाप ने क्या किया हमारे साथ, ये नकली मूर्ति भेजी है, इसके अंदर में कैमरा फिट किया है, अब तेरे बाप को सब कुछ पता लग गया है कि तूने और मेरे बीच क्या डील हुई थी, और उसको ये भी पता लग गया कि तू कितना धोखेबाज बेटा है। अब इसके बाद जाकर श्रॉफ से लेकर उसके सारे दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं और वहाँ के लोकेशन की तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, वर्मा की जान के पीछे पड़ जाते हैं। अब वहाँ पे आते हैं रजनीकांत, उनकी एंट्री काफ़ी जेन्युइन होती है मूवी में, और BGM काफ़ी खतरनाक ले रखे हैं, अनिरुद्ध म्यूजिक। अब इसके बाद जो होता है भाई, वो मार देता है वर्मा को उसी सल्फ्यूरिक एसिड में, उसी तेजाब में, जहाँ पे वो अपने बंदों को मारता है। अब इसके बाद आते उसके बेटे ने बेटे को रजनीकांत लेके जाते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई ना हो, वहाँ पर उसको समझाता है कि तू सरेंडर कर दे, मैं तुझसे कुछ नहीं कहूँगा और अपना जुर्म कबूल कर ले, जहाँ पे वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब उसके पास होते एक पिस्तौल, तो अपने बाप को मारने के लिए तैयार हो जाता है। अब बड़े दुख के साथ रजनीकांत को ऐसा कदम उठाना पड़ता है और अपने बेटे को मरवा देता है, क्योंकि वो एक धोखेबाज था, जो अपने बाप के खिलाफ हो सकता है कल को वो अपनी फैमिली के खिलाफ भी हो सकता है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए रजनीकांत ऐसा करता है, और ये हमारी होती है मूवी का क्लाइमैक्स, मूवी की एंडिंग। तो भाई ऑल ओवर बताऊँ तो मूवी काफ़ी बेटर है, आपको जाकर सिनेमा में देखनी चाहिए, अभी भी ये मूवी लगी हुई है, हिंदी में भी अवेलेबल है। सो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है, मूवी 2.5 घंटे के ऊपर की है, तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।